आपका अनुभव कैसा रहा लखनऊ में? हमेशा लखनऊ मुझे बहुत बड़ा पसंद आता है, उधर यहाँ का खाना बड़ा कमाल का लगता है, और यही चीज़ से हमेशा ऐसा लगता है कि काश मुंबई में भी ऐसा खाना मिलता, क्योंकि यहाँ की जो वैरायटी और जो खाने की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट रहती है, मुझे बड़ा पसंद आता है यहाँ का खाना। यहाँ पे चिकन भी काफ़ी फेमस है, खाने वाला भी और पहनने वाला भी, आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? अभी तक तो आज तो कुछ ट्राई नहीं किया है, डेफिनेटली आज अभी ये जैसे मैच खत्म होगा तो आप मुझे कहीं ना कहीं लोकल एरिया में दिखेंगे खाते हुए, और फिर आपको बता पाऊंगा मैं। आपके कोई नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शूट हो रहे हैं? मैं रियलिटी शो ज़्यादा करता हूँ, तो बहुत जल्द मैं अपने एक और रियलिटी शो के साथ वापस आऊँगा एंकर। आपको होस्टिंग ज़्यादा पसंद है या फिर एक्टिंग ज़्यादा पसंद है? दोनों मतलब क्या कहते हैं, मम्मी पसंद या पापा, मैं आपसे पूछूँ तो आप नहीं बता पाएंगे ना, तो सिंपल है, वैसा ही है कि दोनों पहला प्यार रहता है और दोनों बहुत पसंद आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले एक्टर हूँ बाद में एंकर हूँ, सो एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट लव एंड डेफिनेटली आई विल बी बैक। आपने टीवी के अलावा फिल्मों में भी ट्राई किया है, तो इसके अलावा मतलब क्या अगर फिल्मों में ट्राई करेंगे तो क्या टीवी को छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा मैं वैसा कभी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा मैनेज करने में बिलीव करता हूँ, और सबको टीवी में इतना अच्छा मौका मिलता है कि आप रोज़ ऑडियंस के सामने आए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हमारे साथ थे एक्टर जय भानुशाली, जो कह रहे हैं कि वो मैच तो जीत ही चुके हैं, साथ ही वो लखनऊ भी दोबारा ज़रूर आना चाहते हैं। ईटीवी से रमांशु मिश्रा, लखनऊ।